हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो पाइथन क्या फंडामेंटल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस के लिए हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए और पाइथन होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपका कि वाई पाइथन फॉर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, कि हम पाइथन को डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है इजी टू लर्न, कि पाइथन को हम बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, बहुत ही फ्रेंडली है। इसको आपका जो कोड है वो दूसरा आदमी भी समझ सकता है अगर वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की नॉलेज लगता है, तो ये इजी टू लर्न है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें लार्ज कम्युनिटी। तो जब भी हम पाइथन सीखते हैं तो हमें इसकी बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं और उन कम्युनिटी से हम हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, उसका रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है पाइथन को लर्न करने का डेटा साइंस के लिए या फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए, कि इसकी बहुत सी कम्युनिटी मौजूद है जहाँ से हम रिसोर्स और एक गाइडेंस ले सकते हैं पाइथन में जब हमें कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। रिच लाइब्रेरीज, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पाइथन को यूज़ करने का, कि पाइथन की अपनी लाइब्रेरीज है आपकी डेटा साइंस के लिए। यानी कि जैसे कि आपकी लाइब्रेरीज होती है पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, स्काईलिब, तो ये सब क्या है, इसकी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं। तो इन लाइब्रेरीज का यूज़ कर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को क्लीनिंग कर सकते हैं, उससे कुछ मॉडल्स बना सकते हैं, ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी एक रिच लाइब्रेरीज है। वर्सेटाइलिटी, तो ये क्या है, डेटा क्या है आपका, ये ना वेरियस टास्क भी कर सकता है डेटा साइंस के अलावा। यानी कि अगर हमने अपना काम डेटा साइंस में किया तो हम इसको और सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है पाइथन को यूज़ करने का। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। पाइथन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो क्या करती हैं, आपकी आपकी जो डेटा है उसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है डेटा साइंस का या फिर डेटा एनालिटिक्स का, जिसमें कि हमें अपने डेटा को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस कारण से भी हम क्या करते हैं, आपके पाइथन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मशीन लर्निंग। तो जो मशीन लर्निंग है वो डेटा साइंस का ही एक पार्ट है, जिसमें जो डेटा साइंटिस्ट होता है उसको मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम को यूज़ करना होता है, लिखना होता है। तो उसके लिए ये बेस्ट है आपका पाइथन मशीन लर्निंग के लिए, तो इसलिए पाइथन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसकी लाइब्रेरीज भी हैं बहुत सारी इसमें, ठीक है। बिग डेटा इंटीग्रेशन, अब जो हमारा काम होता है उसमें क्या होता है कि हमें लार्ज सेट ऑफ डेटा, हैवी वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ काम करना पड़ता है, तो ये इसके साथ इजीली इंटीग्रेट होता है। कम्युनिटी पैकेज है ना, एक चीज ये हो गई। फिर नेक्स्ट है इसका कम्युनिटी पैकेज, एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ जनरल पर्पस पैकेजेस, तो कई पैकेजेस के साथ ये आपका काम कर सकता है। ओपन सोर्स, तो जो पाइथन है वो फ्री है, यानी कि हम इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज है, तो इसलिए भी पाइथन को यूज किया जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम कर सकता है, जैसे कि विंडोज में काम कर सकता है, मैक में काम कर सकता है, लिनक्स में काम कर सकता है। तो इस कारण से हम पाइथन को मैक्सिमम यूज करते हैं, कि ये इसका क्या है कि ये डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी एक लाइब्रेरीज है, लार्ज सेट ऑफ डेटा को यूज कर सकते हैं हम, इसकी कम्युनिटीज हैं, ओपन सोर्स है, डेटा विजुअलाइजेशन है, मशीन लर्निंग है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिस कारण से आपका जो पाइथन है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया गया है।